हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज का ब्लॉग होने वाला है हमारा उज्जैन टू केदारनाथ जर्नी का पार्ट वन, और हम जा रहे हैं केदारनाथ, मैं और मेरे दोस्तों। तो आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं, कितना किराया लगेगा, कितना समय लगेगा, कितनी दूर है, और हम जा रहे हैं ट्रेन से। जो ट्रेन चलती है उज्जैन से हरिद्वार गुरुवार और बुधवार, दो दिन चलती है ये उज्जैन से, और इसका किराया है 550 रुपये। हमने स्लीपर कोच पहले ही बुक करा रखा है 2 महीने पहले, और हम आज जाएंगे। और हम क्या क्या सामान लेके जा रहे हैं आपको बताता हूँ मैं। तो गाइस, ये सामान लेके जा रहे हैं हम, ये बर्नर हमारा, ये बॉटल गैस की, मैगी, ओट्स, बिस्किट, परमल, इनर, चादर, और बाकी इसके अंदर सारे कपड़े हैं, और गर्म कपड़े भी हैं, गरम कपड़े भी ले जाना पड़ते हैं वहाँ पर। तो गाइस, हमारी ट्रेन का टाइम है 5:10 शाम को, अभी बज रहे हैं, 1 बज चुके हैं, हम थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से। गाइस, फाइनली हम निकल चुके हैं घर से स्टेशन की ओर। गाइस, रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं हम, उज्जैन रेलवे स्टेशन। गाइस, ट्रेन आ चुकी है हमारी, ये ट्रेन नंबर 14309, और हम बना रहे रील। तो गाइस, ये ट्रेन है हमारी उज्जैन एक्सप्रेस। तो गाइस, ये सीट है हमारी भाई। ट्रेन चलती है उज्जैन से 5:20 पे। उनका खाना खा रहे हम ट्रेन में। The next day. Guys, finally हरिद्वार पहुंच चुके हम 23 घंटा की यात्रा करके। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से हम जा रहे हैं अभी ऑटो में आश्रम में, क्योंकि आश्रम में होटलों के मुताबिक वहाँ पर सस्ता मिलता है रूम, इसलिए हम जा रहे हैं आश्रम पे, और वहाँ पे खाना भी फ्री मिलता है। हम आए श्री कृष्णा निवास आश्रम में, यहाँ से कटाते हैं हम पर्ची। श्री कृष्णा निवास आश्रम से हमने पर्ची कटा ली 1200 रुपये की, और रूम ले लिया हमने। 1200 रुपये में पड़ा हमको रूम। आप भी गूगल मैप पे डाल सकते हो श्री कृष्णा आश्रम, आपको आ जाएगा लोकेशन। 1200 रुपये में एसी रूम है, एक नंबर रूम है। तो गाइस, आश्रम से थोड़ी सी दूरी पे है घाट, तो हम पैदल ही आ गए वहाँ से, और आपको दिखाता हूँ मैं नदी गंगा मैया। अब नहाएंगे हम, सुबह से नहीं नहाए। 23 घंटे में उज्जैन से हरिद्वार पहुंचा दिया था हमारे को ट्रेन ने। गाइस, यदि आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है चारधाम यात्रा का, तो आप यहाँ पे आके करा सकते हो। हरिद्वार में रेलवे स्टेशन के बाहर ही ये होटल नाम से आएगा, लोकेशन डाल लेना आप, तो आ जाएगा आपके पास। और यहाँ पे चारों धाम के रजिस्ट्रेशन होते हैं फ्री में, 6 बजे तक, शाम को 6 बजे के पहले हो जाते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं यहाँ पे साइट। मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, इस टाइप से होता है, यहाँ पे कार्ड देंगे, ये रजिस्ट्रेशन कार्ड, एक QR में आपकी सारी जानकारी है, चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कार्ड। और गाइस, रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड अपना ओरिजिनल होना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन हो चुका है हमारा 5 का, और अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए घाट पर हर की पौड़ी, यहाँ पे गंगा आरती भी होती है, और हम गंगा आरती भी देखेंगे आज हरिद्वार में। और गाइस, ये बस स्टेशन है हरिद्वार का, यहाँ पे हम अभी पता कर रहे हैं सोनप्रयाग के लिए बस का, सुबह कितनी बजे जाती है बस। Yeah.
तो गाइस अभी हरिद्वार की गलियों में घूम रहे हैं हम। हरिद्वार बाजार ही, हरिद्वार का बाजार। गाइस हमने नाश्ता कर लिया है और अब जा रहे हैं हम हर की पौड़ी घाट पे गंगा आरती देखने के लिए और नहाने के लिए, स्नान करने के लिए गंगा जी में। इस विष्णु घाट पर पहुँच चुके हम गंगा मैया, हमको जानी है हर की पौड़ी। गाइस हमने हरिद्वार का बाज़ार विजिट कर लिया है पूरा, आपने भी देख लिया जैसे कि एक नंबर बाज़ार है पूरा हरिद्वार का। अब हम जा रहे हैं हर की पौड़ी घाट पे, घाट पे आ चुके हैं हम हर की पौड़ी विक्री ब्रिज, इधर ही किधर गंगा आरती होती है। अब हम नहाएंगे, स्नान करेंगे। जा रहे जाऊंगू भाई। गंगा जी में नहा लिए हम घाट पे, इतना आनंद आ गया, बहुत ठंडा पानी है। बोलो गंगा मैया की जय हो। तो भाई स्नान कर लिया हमने और अब निकल रहे हैं हम आरती के लिए, आरती देखने के लिए जा रहे हैं। गंगा आरती के दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छी लगी आरती हमको गंगा आरती हरिद्वार में। जय हो गंगा मैया की। तो गाइस स्नान करके आ चुके हैं गंगा घाट से हरिद्वार, अब जाएंगे हम आश्रम पे खाना खाने के लिए, श्री कृष्ण आश्रम जहाँ पे मैंने यहाँ से टिकट ली थी वहाँ पे। और खाने में दाल चावल कद्दू की सब्जी और रोटी,
आश्रम पे, यहाँ पे खाना फ्री मिलता है। तो खाना खा के आ चुके हैं हम आश्रम से अभी, और अब सोएंगे हम रूम में। विजय ने तैयारी भी कर ली है सोने की। अब हम मिलते हैं आपसे सुबह। सुबह हम जाएंगे, बस स्टेशन से बस नहीं मिली हमको डायरेक्ट सोनप्रयाग की, तो फिर हमको ऋषिकेश जाना पड़ेगा, क्योंकि ऋषिकेश से मिल जाएगी गाड़ी, इसलिए हम उठेंगे सुबह 3 बजे। आज का व्लॉग यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं हरिद्वार में। आपने देखा हमार को उज्जैन से हरिद्वार आके आरती हमने देखी और दर्शन किए। आज का व्लॉग यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं हम। आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री महाकाल।